इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, कैटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका। संत शिरोमणि आचार्य गुरु व श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य गुरु व श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अर्हम गुरुकुलम के अंतर्गत तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय एक की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा अत्यधिक उत्साह और समर्पण के साथ चल रही है। होनी भी चाहिए, क्योंकि मुनि श्री कहते हैं कि सूत्रों को कंठस्थ करने से हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम और विशुद्धि दोनों बढ़ते हैं। इसीलिए हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए। अरहम टीम शीघ्र ही इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगी। अगर आप किसी कारणवश प्रथम अध्याय की मौखिक परीक्षा नहीं दे पाए हो तो चिंता न करें, अध्याय द्वितीय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा में दोबारा आपको अवसर मिलेगा। तो सूत्रों को कंठस्थ करते रहें और अपने परिवारजनों और मित्रगणों को भी प्रोत्साहित करें। अध्याय द्वितीय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो चलिए हम अध्याय दो और तीन के सूत्रों का पाठ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयः चतुस्त्रित्रि पञ्चभेदाः सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्याः चतुश्चतुस्त्रयेकै कैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च। उपयोगो लक्षणम् सद्विधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः प्रतिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पञ्चेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्थ्यः प्राक्चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह एकम द्यौ त्रीन वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाडा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो शंखे गुणं प्राक्तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मंत्यं गर्व सम्मूर्छनज माध्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम् प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः
इति तत्वार सूत्रे द्वितीयोध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरे दुखा संक्लिष्टासुरोदीरे दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरी प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कम्भो हृदः दश योजनावगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीरी धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन मध्यगाः द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्व परगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वि त्रि पल्ल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्वार सूत्रे तृतीयोऽध्याय। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय चार में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तत्वार्थ सूत्र एक डिफिकल्ट विषय है, इसमें शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्या हम अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित करते हैं? क्या हम उन्हें इसीलिए नहीं पूछते कि कोई दूसरा पूछ लेगा? क्या आपको डर लगता है कि वो शंका पूछने लायक है या नहीं? यदि आपने भी इसी तरह किसी भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े ही आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ttvshanka। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछें। तो चलिए कल की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रथम सूत्र में हमने देवों के बारे में जाना। इनके देवगति नाम कर्म का उदय होता है। ये अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी क्रीड़ा
और विचरण करते हैं। इनमें 8 प्रकार की शक्तियाँ या रिथियाँ अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत्व और विषत्व पाई जाती है। गति के कारण सभी देवों के दिव्यता वाले विशिष्ट वैक्रियक शरीर होते हैं, जो नारकियों के शरीर से विपरीत रक्त मांस हड्डी गंध दुर्गंध से रहित होते हैं। इनके पसीना नहीं आता और नख केश आदि की वृद्धि भी नहीं होती। इनका संस्थान समचतुरस संस्थान होता है। हमने समझा कि देव गति भी मनुष्य गति की तरह ही एक जीवन है, जिसमें कुछ सुख और शक्तियाँ ज्यादा है। इन्हीं शक्तियों वैभव और ऐश्वर्य के माध्यम से देवों का विभाजन होता है। पुण्य जैसे ही जीव देव बनते हैं, पर अच्छे और बुरे पुण्य के कारण उनके वैभव और ऐश्वर्य आदि में अंतर होता है। देव 4 निकाय अर्थात प्रकार के होते हैं। भवनवासी देव मुख्यतः अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में बने निवास स्थानों में होते हैं। व्यंतर देव कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी विचरण करते हैं। ये अधोलोक और मध्य लोक दोनों में रहते हैं। ज्योतिषी देव मध्य लोक में ही होते हैं और वैमानिक देव नियम से ऊर्ध्व लोक में ही होते हैं। देवों के भेद प्रभेद की गिनती कर पाना संभव नहीं है। हमने चारों गतियों के जीवों की संख्या की परिगणना को भी जाना। पर्याप्तक मनुष्य में संख्यात नारकी देव, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में असंख्यात पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक विकलत्रय में असंख्यात और तिर्यंच गति में अनंत की परिगणना है। सूत्र 2 में हमने देव गति में लेश्याओं के बारे में जाना। मुनिश्री ने बड़ी ही सहजता से सूत्र के अर्थ रहस्य और सूत्र लेखन की विशेषता को समझाया, ताकि हमें सूत्रों से डर न लगे। आदि के त्रिशु मतलब पहले 3 अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव, पीतांत लेश्याः अर्थात पीपलेश्या है अंत में जिसके, मतलब कृष्ण नील कापुत पीत पद और शुक्ल 6 लेश्याओं में से वो लेश्याएं जिसके अंत में पीत है, अर्थात कृष्ण नील कापुत और पीत। अतः इस सूत्र का अर्थ हुआ भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के कृष्ण नील कापुत और पीत लेश्याएं पाई जाती हैं। हमने देखा यह सूत्रात्मक भाषा है और सूत्रकार कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखते। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य कहते हैं कि आदि के 3 निकायों में है ना, अब ये देखो सब कितना शॉर्ट में चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आचार्य महाराज ये समझते हैं कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को जैसे पढ़ा रहे हो ना, तो उन्होंने कहीं अभी नाम दिए कि 4 निकाय कौन से हैं, तो आदि के 3 निकायों में अब कौन से आदि के 3 निकाय हैं। अगर किसी को नाम ही नहीं मालूम तो उसे कैसे पता पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये ग्रंथ थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हैं, सुन रहे हो, लेकिन सीख वे सब लोग रहे हैं जो पहली पहली बार भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपको लिए इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, या विशेषताओं के साथ में इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको इन सूत्रों से कभी डर ना लगे, और एक बार आप इन सूत्रों के रहस्यों को भी थोड़ा थोड़ा सा अर्थ के साथ में जान लें। तो आदि के त्रिशु, त्रिशु माने 3ों में है ना। अब ये सब भाषा बिल्कुल जो है सूत्रात्मक ही है। 3 निकाय कौन से, तो जो आपसे जिस क्रम से बताया है, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी है ना, वैमानिक तो बाद में आएंगे। तो ये आदि के माने प्रारंभ के 3, इन निकायों में पीत अंत लेश्याः, देखो
इस सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है, इतने कंजूस होते हैं ये लोग जो सूत्र बनाने वाले होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते हैं। ये तो सोचते ही नहीं कि पंचम काल में अल्प बुद्धि वाले लोग होंगे, इन्हें हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के लिख दो, ऐसी सूत्रात्मक भाषा लिखते हैं। पीत लेश्या है अंत में जिसके, उन्हें कहते हैं पीतांत लेश्या, है ना। अब गणित लगाते रहो, पहले तो लेश्या बताओ, लेश्या ही पता होती है कि नहीं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, ये छह लेश्याओं के नाम है ना। अब इनमें तीन तो अशुभ हैं, जिनका वर्णन तो नरकों की वर्गीकरण करते हुए भी बताया जा चुका है, कृष्ण, नील और कापोत। जब ये तीन अशुभ हैं तो इसके बाद की जो तीन हैं वो शुभ हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। अब यहां पर देखो सूत्रात्मक रूप से कैसे लिखा हुआ है, पीत है अंत में जिनके, है ना। निकाय में से तो आदि के तीन निकाय और लेश्याओं में पीत है अंत में जिसके, है ना। इस तरीके का सूत्र पहले भी कहीं आया है, कहीं नहीं आया, ध्यान करो सब। आगे क्या बोलते हो, आगे आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। ऐसा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, मैं सूत्रों की भी विशेषताओं को बता रहा हूं, मैं केवल आपको अर्थ ही नहीं बताता हूं, सूत्र भी कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे आचार्यों ने लिखे हैं, है ना, उसको भी आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, उनकी भी जो एक कला है सूत्र बनाने की वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके की लैंग्वेज का उपयोग पहले भी, इस तरह की स्टाइल का उपयोग पहले भी किया गया है, है ना। कोई बताए, ऑनलाइन कोई बता रहा है, देखो हाँ हाँ, ज्ञानी लोग होते हैं, सुनने वाले पढ़ने वाले तो सबका इंटरेस्ट बने, है ना। इस तरीके की भाषा का कहीं उपयोग किया गया हो, मुझे अभी जस्ट अभी ध्यान आया इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बोलो बोलो, ऑनलाइन बोलो, जब तक मैं और थोड़ा सा आगे विस्तार कर रहा हूं। तो पीत है अंत में जिसके लेश्या, है ना। इसी तरीके का सूत्र, मतलब कि ऐसी ही स्टाइल के साथ में, जिसे शैली बोलते हैं, कि ये है अंत में जिसके, उसको ऐसा जानना, ऐसा कहीं कोई सूत्र आया हो, है क्या बोला, अच्छे से बोलो, जल्दी बोलो, है, जब तक कंफर्म कर लो फिर बताना। पीत है अंत में जिसके, तो पीत अंत में मतलब वहीं तक अपने को लेश्याएं लेनी है, है? कोई ऑनलाइन बताने वाला हो तो बता देना। कृष्ण, नील, कापोत और पीत क्या हो गया, यहां तक अंत हो गया ना, पीत हो गई अंत तक, यानी ये, हाँ किसी श्रावक ने बताया, ऑनलाइन बताया, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या बताया, नाम भी बोल दो, नाम नहीं लगा, हैं कहां से, अच्छा तो किसी श्राविका ने बताया है, सीमा नाम है उनका, वनस्पत्यंतानाम एकम, है ना। ये सीखो, हर चीज सीखो, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम 12 साल व्याकरण तुम्हें पढ़ाई जाए तभी तुम व्याकरण सीख पाओगे, अरे हम जैसे लोगों के सामने बैठोगे तो सब सीख जाओगे, समझ आ रहा है ना। हाँ, व्याकरण पढ़े बिना भी व्याकरण पढ़ाई जा सकती है, हमें भी आचार्य जी ने कभी व्याकरण नहीं पढ़ाई, लेकिन सब ऐसे ही पढ़ा दिया उन्होंने, हंस खेल करके ऐसे ही पढ़ा देते, तो ये उनकी स्टाइल है, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि वनस्पत्यंतानाम एकम, ये सूत्र आया ना, तो इसमें क्या बताया था, वनस्पति है अंत में जिसके, उन्हें कहते हैं एक इंद्रिय जीव, ऐसे ही है ना। तो वनस्पति अंत में किसके थी, जो सूत्र था उसमें पृथ्वी है ना, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा, इस सूत्र में ये सब लगाना था, ऐसे ही यहां बताया गया। तो पीत लेश्या है अंत में जिसके, है ना, तो वो चार लेश्याएं उसमें गर्भित हो गई। अब देखो हम इसलिए कह रहे थे कंजूस लिखने में आचार्य होते हैं क्योंकि सूत्रकार की विशेषता होती है कि उन्हें कंजूस ही होना चाहिए, है ना। अगर वो ऐसे लिखेंगे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, लेश्याहा, सूत्रीकार क्या रहे फिर, इधर टीका हो गई, समझ आ रहा है। तो ये सूत्रकार की विशेषता होती है, मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना। कंजूस शब्द को आप गलत सेंस मत लेना,
मतलब कि वो लिखने में इतने चतुर होते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा एक अक्षर भी नहीं लिखना होता है, और जो चीजें सिमिलरिटी रखती हैं कहीं पर, है ना, या एक जैसी कहीं कहीं पर, जैसे आयु वगैरह इसी चैप्टर में आएगा, जो एक जैसी आयु होती है अलग अलग जीवों की, तो उन्हें च च कह करके बस जैसा ऊपर कह दिया वैसे ही बार बार नहीं कहना है। जैसे देववाणी के बारे में सुना जाता है बस एक ही बार बोली जाती है, तो ऐसे ही एक बार बोलते हैं, समझाने में कई बार बोलना पड़ता है। तो ये इन आचार्यों की विशेषता है, इसलिए इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। समझ आ रहा, सूत्र बनाना हर किसी के बस की नहीं होता, गाथाएं श्लोक तो कोई भी बना सकता है, सूत्रकार बहुत विशिष्ट आचार्य होते हैं जो सूत्र बना पाते हैं, सूत्रों में बातें करते हैं, सूत्रों की भाषाएं को समझना और भी ज्यादा दुरूह होता है, है ना। और उन सूत्रों में आपके लिए थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ है जो षठ खंडागम ग्रंथ से भी प्राचीन माना जाता है, उसमें भी गाथाएं हैं, पूरी सूत्रात्मक हैं गाथा सूत्र, और उन गाथा सूत्रों का विभाजन, मतलब कि ये समझ लो कि उसमें 180 गाथाएं होंगी, और उनका विभाजन, उनका टीका करते करते आचार्य वीरसेन महाराज ने जो जय धबला जैसे ग्रंथों की 16 पुस्तकें लिख डाली, उसकी हिंदी के साथ जो प्रकाशित हुई, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये सूत्रकार अपने आप में बड़े बड़े आचार्य हुए, इनके इन ग्रंथों को देख करके ही गौरव होता है, इनके इन ग्रंथों की शैलियां देख करके ही समझ में आता है कि कितने बड़े बड़े लोग होते थे जो कुछ भी बोलना नहीं चाहते, लिखने में इनको कितना कष्ट होता होगा जब ये इतनी सूत्रात्मक शैली में थोड़ा थोड़ा सा लिखें, सुन रहे हो। हाँ, नहीं तो सीधा सीधा लिख सकते थे, कृष्ण नील कापोत पीत लेश्या ऐसा लिख देते, तो इसने में कितना सारा शब्द लिखने पड़ते, कितना लंबा सूत्र हो जाता, ऐसा नहीं। जहां लंबे सूत्र की जरूरत पड़ेगी वहां लंबा भी आएगा, बड़े बड़े भी आएंगे, है ना, और जहां छोटे हैं तो वहां छोटे छोटे में भी काम चलाना है। तो आचार्य कह रहे हैं यहां कि भवनवासी देवों में भी चार लेश्याएं होंगी, व्यंतर देवों में भी चार लेश्याएं होंगी, और ज्योतिषी देवों में भी चार लेश्या वाले देव होंगे। अब चार से मतलब क्या हो गया, कृष्ण नील कापोत और पीत। अब इनमें तीन लेश्या तो अशुभ हैं और पीत लेश्या एक शुभ है, समझ आ रहा। अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा कि ऐसा कैसे संभव होगा या किस अवस्था में कौन सी लेश्या होगी, ये सब तो जो टीकाकार हैं व्याख्या करने वाले हैं, आगम के विरुद्ध में कोई व्याख्या नहीं होती है, है ना। जो आगम हमें अन्यत्र षटखंडागम सूत्रों से या जीवकांड आदि ग्रंथों से या हमें और जगहों से जो आगम मिला है, उस आगम से और इस आगम में कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो एक नियम आपने सामान्य से सुना होगा कि नारकियों की अशुभ लेश्या होती है और देवों की तो शुभ लेश्या ही होती है। अब यहां कह रहे हैं कि देवों के तीन लेश्या भी हैं, शुभ की बात तो समझ में आती है कि देवों में पीत लेश्या होनी चाहिए, चलो एक ही कह देते तो चल जाता, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, चारों होती हैं, और कुछ भी नहीं लिखा यहां कि कब होती हैं, कहां होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये सब जो है बाद की व्याख्याओं से स्पष्टीकरण होता है, इसी का नाम बोलते हैं टीका, है ना। कई लोग छोटे छोटे शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी मतलब कई बार प्रश्न करते हैं। एक बार एक श्रावक ने प्रश्न किया, महाराज आप बार बार टीका टीका बोलते हैं, क्या होता है टीका का मतलब क्या होता है, है ना। तो टीका माने हैं उसका व्याख्या, है ना, व्याख्यान, उसका इंटरप्रिटेशन करना किस शैली में किस ढंग से किया जा रहा है। तो ये जो है अनेक आचार्यों ने इन सूत्रों पर अपना अलग अलग व्याख्यान किया है, तो उन व्याख्यानकर्ताओं के माध्यम से इन सूत्रों के भाव पता पड़ते हैं। अब यहां तो कुछ भी नहीं लिखा, तो आचार्य उसमें लिखते हैं टीकाओं में व्याख्याओं में कि देखो देवों में पर्याप्त अवस्था में तो एक शुभ लेश्या ही होती है। कौन सी अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त का मतलब समझ रहे हो ना, जब भी कोई जीव किसी भी गति में जन्म लेता है तो उस जन्म के प्रारंभिक समय से लेकर के एक अंतर मुहूर्त तक जब तक वो अपना शरीर तैयार करता है,
तो एक अंतर मुहूर्त वह जो कैसा होता है, अपर्याप्त होता है, उस दशा को बोला जाता है अपर्याप्त। फिर उसके बाद में वह अंतर मुहूर्त के बाद पर्याप्त दशा आ जाती है। तो अपर्याप्तियों अपर्याप्त दशा के साथ में जब वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा होता है तो उस समय पर एक अंतर मुहूर्त की जो दशा है वह अपर्याप्त अवस्था कहलाएगी। जीव अपर्याप्त तक नहीं हो गया, क्या समझे? जीव दो प्रकार के बताए थे, एक अपर्याप्तक और पर्याप्तक। तो जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से अपर्याप्तक ही होंगे, माने पर्याप्तक नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा अपर्याप्तक जीव। और जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तक ही होंगे, अपर्याप्तक नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा पर्याप्तक जीव। इन्हीं जीवों के लिए कहा जा रहा है जो पर्याप्तक जीव होते हैं वो भी प्रारंभ में एक अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं, फिर बाद में वो पर्याप्त बन जाते हैं। इसको पहले हम शायद सिखा चुके हैं उदाहरण वगैरह दे करके आपको, है ना, अब पिछला भी ध्यान में रखना। तो इस तरह की जो अपर्याप्त अवस्था है उस अपर्याप्त अवस्था में देवों के लिए तीन अशुभ लेश्याओं का भी व्याख्यान मिलता है। यानी अशुभता जो होगी वो किसी पर्याय से आ रहा है। अब देव गति में जन्म लेने वाला कौन होगा, कौन होगा? देव गति का जीव नहीं होगा। देव गति में देव गति से जन्म नहीं होता, देव गति में नारकी का भी डायरेक्ट जन्म नहीं होता, समझ में आ रहा है? देव गति में मनुष्य का जन्म होगा या त्रियंश का जन्म होगा, और मनुष्यों में भी जो अपर्याप्तक मनुष्य उनका नहीं होगा, और जो त्रियंशों में भी एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री इन किसी का भी देवों में जन्म नहीं होता, केवल पंचेंद्री का ही होगा, समझ आ रहा है? और जो भोग भूमि के जीव हैं जो मनुष्य या त्रियंश उनका भी देव पर्याय में ही जन्म होता है। तो देव पर्याय में जो जन्म ले रहा है वो पिछले तो जन्म में शुभ लेश्या वाला भी हो सकता है, अशुभ लेश्या वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर उसे भवनत्रिक में जन्म लेना है तो उस भवनत्रिक का, भवनत्रिक का मतलब इसको त्रिक बोलते हैं, तीन की जोड़ी है तिक्का, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, इनको भवनत्रिक बोलते हैं, ठीक है ना? अब ये लैंग्वेज भी समझने लोगों, एक बार सुन लिया अब बार बार ध्यान में रखना, है ना? तो भवनत्रिक का मतलब जब भी बोलूं मैं क्या समझना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, इन भवनत्रिकों में कोई भी जीव जन्म लेता है अपनी पिछली पर्याय में, चाहे भले ही वो शुभ लेश्या में रहा हो, लेकिन इनमें जन्म लेते ही उसकी अशुभ लेश्या होनी है। सुन रहे हो? ये देखो कितनी बड़ी बात है, जन्म लेते ही यहां पर उसके लिए अशुभ लेश्या होगी अपर्याप्त अवस्था में, और फिर बाद में शुभ हो जाएगी। अब इनमें जन्म लेने वाले जो जीव होंगे, तो जो भी मनुष्य या त्रियंश जो इन भवनत्रिकों में जन्म लेंगे तो मरण समय पर उनकी लेश्या नियम से अशुभ होगी, बिगड़ेगी, और उसी अशुभ लेश्या के साथ में मरण करके वह भवनत्रिक में जन्म लेंगे। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी लेश्या अपने उस भव में वैसी ही रहेगी, नियत होती है लेश्या, जैसे भोग भूमि के जीव हैं तो उनकी पीत लेश्या है, तो वो नियत है, तो उनकी लेश्या पीत है, लेकिन मरने के बाद उनकी भी लेश्या, जो मिथ्या दृष्टि होंगे वो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं तो उनकी भी लेश्या उस समय पर अशुभ होगी, और एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर वो शुभ लेश्या वाले हो जाएंगे। सुन रहे हो? भीतरी बातें, गहरी बातें, कुछ समझ आ रहा है? जीव के परिणाम केवल अपने ऊपर आधारित नहीं है, जिस भव में हम जन्म ले रहे हैं उसकी भी अपनी कंडीशन है जहां हम जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे पास पैसा है तो जैसा है वैसा हो जाएगा, हाँ उस देश की जो कंडीशन होगी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा आपको, समझ आ रहा है?
अगर आप सिंगापुर घूमने गए हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप जो है पिज्जा बर्गर के पैकेट और बिस्कुट के पैकेट जो है फाड़ करके जैसे यहाँ इंडिया में कहीं पर भी फेंक देते हो ऐसे वहां पर नहीं फेंक सकते, समझ आ रहा है? हाँ, चलते फिरते कोई भी कार में जो है आपने बिस्कुट का पैकेट फाड़ा, खाया और फेंक दिया बाहर, जैसे ही बाहर गिरा ना सब कैमरे लगे रहते हैं, उसी समय पर आपको कैच कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, उसी समय जुर्माना ठोकेगा, समझ आ रहा है? तो भले ही आप यहां पर कुछ भी हो, पीएम सीएम कुछ भी हो, वहां के नियम तो वहीं के हिसाब से होंगे, ये होता है ना। ठीक इसी तरह से आप यहां इस गति में कितने ही अच्छे रहे हो, कितने ही लेशिया हो, कुछ हो, लेकिन अगर आपके लिए भवनत्रिक में उत्पन्न होना है तो आपके इस तरह से लेशियाएं बिगड़ेंगी और उसके बाद में फिर आपका जीवन पर्याप्तक अवस्था में शुभ के साथ शुरू होगा। समझ में आ रहा है? लेशियाओं का विभाजन देवों में शुभ लेशियाएं होती हैं, ये किस अपेक्षा से समझना, पर्याप्तक अपेक्षा से, है ना। पर्याप्तक दशा में तो देवों के नियम से शुभ लेशिया ही होगी, ठीक है। अभी तक भी देवों के ये चार निकायों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनके भेद बताना अब शुरू हो रहे हैं। आप देखो, सुन रहे हो, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा सूत्रकार पर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि निकायों के नाम बताए बिना केवल संख्या बता करके अब उनके भी उपभेद बताना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये कहने की हिम्मत आप नहीं कर सकोगे, मैं कर सकता हूं, मुझे मतलब इस बात के लिए सहूलियत मिली है, है ना। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। हाँ, अब इनके भेद बताए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, दश भेद, अष्ट भेद, पंच भेद और द्वादश। विकल्प माने होता है भेद, ठीक है ना। ये विकल्प हैं, कहाँ तक के लिए हैं, कल्पोपपन्न पर्यंता, जो कल्पों में उपपन्न माने उत्पन्न होते हैं उस पर्यंत तक, बस वहीं तक, कल्प तक के लिए ये भेद हैं। तो क्या बताते हैं यहां, दश ये हो गए भवनवासी के भेद, है ना। अब पहला निकाय भवनवासी ही होता है, कैसे जाना आपने, कह दो महाराज आपके कहने से जाना, सूत्रकार तो नहीं कह रहे कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो जैसा है वैसे ही बस समझना भी पड़ेगा, तो आपको ध्यान भी तो रहना चाहिए कि कहाँ हम अपनी नॉलेज लगा रहे हैं और कहाँ हम सूत्रों के बिल्कुल अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो सूत्रकार ने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी है वही, क्योंकि भवनवासियों के ही दस भेद होते हैं। अष्ट भेद वाले व्यंतर देव हैं, व्यंतरों के निकाय के कितने भेद होंगे, आठ भेद होंगे। पंच ये ज्योतिषियों के भेद होंगे, पाँच प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। और बारह विकल्प वाले ये कल्पवासी देवों के भेद बताए हैं, कितने, बारह, है ना। अब देखो यहां कल्पों में उत्पन्न होने वाले जीवों तक ये लगा लेना, तो कल्प जो होते हैं उनके लिए आगे एक सूत्र आ रहा है कि उस सूत्र के अनुसार कल्पवासी देव वो कहलाते जहां पर और भी देव उनके इर्द गिर्द, है ना, छोटे बड़े के भेद के साथ में रहते हों, वो कहलाएंगे कल्पवासी, है ना। तो इस तरह के ये जो कल्पोपपन्न पर्यंत तक का जो ये सूत्र है, ये 16वें स्वर्ग तक घटित होता है। कहां तक, 16वें स्वर्ग तक। स्वर्ग तो होते हैं 16, कल्प तक कितने स्वर्ग होते हैं, 16 कल्प, है ना। कल्पवासी देवों में कल्पोपपन्न जो देव होंगे वो कौन से होंगे, वह स्वर्ग में रहने वाले कल्पवासी जो देव हैं वो तो 16 हो गए। श्री जीर्ण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई
सासद मुख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं? 5, 8, 10, 12। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास।